क्यों सोच रहे होंगे ना, हाईवे की दिखा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आज फिर मैं निकल गया और एक जगह के लिए। मैं आज जा रहा हूँ गोवा। तो गोवा से होते हुए गोकर्णा, उडुपी, मैंगलोर तक पूरा मेरा आज का सफ़र है, मतलब इस ट्रिप का सफ़र है। तो मैं आप लोगों को सारे अपडेट देते रहूँगा। फिलहाल बेंगलोर से 7 बजे स्टार्ट किया था और मैं अभी रुका हूँ कम से कम 250 किलोमीटर छोड़ के। फिर अभी बस फर्स्ट स्टॉप है मेरा। तो पीछे देख रहे हो आप, एक रेस्टोरेंट है। सुबह कुछ नहीं खाया था तो मुझे नाश्ता करना है, तो चलिए नाश्ता करते फिर निकलते। तो मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, ये देखिए क्या क्या मैंने लिया है। दो इडली और एक बड़ा, उसके साथ चटनी और सांभर। तो यही है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलेंगे। करीब 5:30 बजे मैं कलिंगुटे बीच पे पहुंचा। फिर वहाँ पे बीच के सामने ही बीच वे बोल के एक गेस्ट हाउस में एक एसी रूम ले लिया, जिसका भाड़ा पड़ा था 1500 पर नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। गोवा का सुबह आप लोगों को स्वागत है। मैं निकल पड़ा अभी साउथ गोवा के लिए। इंटर साउथ गोवा में जितने सारे स्पॉट्स हैं, मैं ट्राई करूंगा सबको कवर करने का। और अभी मेरे साथ है धूरी जी, जो मुझे पूरा गोवा घुमाएंगे। ये है धूरी जी, ये हमको पूरा गोवा घुमाएंगे। चलिए साउथ गोवा के ओर। मैं अभी आ गया हूँ साउथ गोवा में शांति दुर्गा टेम्पल। ये देखिए मेरे सामने है। '1738 में यह मंदिर बना था। ये गोवा का एक बहुत मशहूर एक फेमस प्लेस है। तो चलिए अंदर जाते हैं। Thank you.
मंदिर के अंदर में आप कैमरा लेके नहीं जा सकते, तो आप लोग जो लोग आएंगे फिर बाद में आप अंदर जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैंने बाहर से कुछ ड्रोन शॉट भी लिया था आपके लिए, देख के कमेंट पे जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों, शांति दुर्गा मंदिर तो देख लिया, अभी चलते हैं महालेश्वर मंदिर। दोस्तों, मैं आ गया हूँ साउथ गोवा में। महालेश्वर मंदिर जो है ये नारायण का एक मंदिर है उसी के सामने, तो अभी चलिए अंदर चलते हैं। Thank you.
दोस्तों हाल तो यहाँ भी ऐसा ही है, मतलब आप अंदर में कैमरा लेके नहीं जा सकते हो, तो अंदर का वीडियो जो है जितना मुझे हो सके बाहर से जितना मैं मुझे मिला मैं ले लिया उसका, बाहर से ही आप लोगों को दिखाते हैं। गोवा में ये एक ही मंदिर है जहाँ पे फॉरेनर को अलाउ नहीं करते ये लोग, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड फॉर फॉरेन टूरिस्ट, कोई फॉरेनर आ नहीं सकते। महालेश्वर मंदिर देखने के बाद हम लोग चल पड़े मंगेश टेंपल की ओर। यह मंगेश टेंपल जो है यह लता मंगेशकर का कुल देवता, उनके नाम पे यह मंदिर है। मंगेश के नाम से इस गांव का नाम पड़ा, मंगेशी, यहाँ के गांव वाले मंगेशकर। ओके ओके। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं ये घर क्यों दिखा रहा हूँ। दोस्तों दोपहर का खाना हमको इसी घर से मिला, मतलब ये घर में ही एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, शांता दुर्गा भोजनालय, और ये जो है मंगेश टेंपल का एकदम साइड में ही है, मतलब आप जिस जहाँ से उसका एंट्री है सीढ़ी पे जब आप चढ़ोगे उसका राइट में एक तो गली में देखना कि ये अच्छा, और प्योर गुआनीज खाना यहाँ इधर मिलता है, तो हमको पूरा प्योर गुआनीज खाना इधर मिल गया। वेज लिया था और फिर अलग से फिश फ्राई लिया था, राइस, कोकम कड़ी, क्या है ये? वो कोकम कड़ी, कोकम से बनती है। ओके। ये दाल, ये आमबट्टी, ये काब है नील पनस से बना हुआ, और ये सब्जी आलू का, पापड़, पिकल। ओके, बहुत अच्छा। और कोकम शरबत, मतलब छोटे छोटे ऐसे होता है, बहुत अच्छा लगा, सही लगा। खाना ख़त्म करने के बाद लास्ट में मैंने पिया। दोस्तों आप लोगों को काजू का पेड़ दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके बाद हम लोग चले गए ओल्ड गोवा का द फेमस बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कैथीड्रल चर्च। दोस्तों अभी मैं हूँ बेसिलिका ऑफ बॉम कैथीड्रल चर्च। गौरी जी, बिना सीमेंट के बना था ना? चूना, चूना और गुड़ का पेस्ट रहता था। अच्छा, चूना और गुड़ का पेस्ट। और ये गौरी जी बोल रहे है कि ये जो बिल्डिंग जो बना था, जो चार्ट जो बना था, इसमें चूना और
गुड़ 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 था, चूना और गुड़ का पेस्ट बनता था। और भाई गुड़ तो हम खाते हैं, गुड़ से बिल्डिंग भी बनता है। चलो ये आज जाना मैंने, तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। के बाद दोस्तों हम लोग निकल गए साउथ गोवा का फेमस बीचेस और क्रूज पे चढ़ने के लिए, लेकिन उसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में दोस्त। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। सब खुश रहना और जुड़े रहना सेट टू गो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पे।